दोस्तों आज हम इस एलईडी ट्री को बनाना सीखेंगे। और दोस्तों ये एलईडी बल्ब बिना किसी बैटरी के और बिना किसी पावर सप्लाई के पूरा लाइफ टाइम तक जलेगा। दरअसल दोस्तों ये एक आरएफ सिग्नल डिटेक्टर सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक पुराना खराब पाइजो इलेक्ट्रिक बजर। अब हम लेंगे दो पीस 1N4148 डायोड, उसके बाद एक डायोड का कैथोड पिन और दूसरा डायोड का एनोड पिन हम बजर के इस पोर्शन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। और दोस्तों यहां पर इस बजर को हम सिर्फ एक स्टैंड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम लेंगे और दो पीस 1N4148 डायोड, उसके बाद एक डायोड का कैथोड पिन हम इस डायोड के एनोड पिन के साथ और दूसरा डायोड का एनोड पिन हम इस डायोड के कैथोड पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। अब हम लेंगे एक एलईडी बल्ब, उसके बाद इस एलईडी का पॉजिटिव पिन हम इस डायोड के कैथोड पिन के साथ और नेगेटिव पिन हम इस डायोड के एनोड पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। अब हम लेंगे एक मोटा कॉपर वायर का एक टुकड़ा, उसके बाद इस कॉपर वायर के टुकड़े को हम एक पेन के ऊपर ऐसे टर्न कर देंगे। तो दोस्तों ये एक एंटेना जैसा हो जाएगा। उसके बाद इस एंटेना को हम इस पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं।